आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन। सुनते रहिए लगातार बारंबार रेडियो धड़कन। साथियों, आज मंगलवार का दिन, दोपहर के 1 बज चुके हैं। हम आ गए हैं आपके पास, आपके साथ लेकर तरानों की सौगात। शुभ दोपहर या नमस्कार, स्वागत। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल, और आज जो तरानों की सौगात गुंजायमान होने वाली है वो है आरजेस चॉइस की। जी हाँ, कार्यक्रम का नाम आरजेस चॉइस प्रोग्राम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि कौन से गीत इसमें होंगे। जी हाँ, आरजे की पसंद के गीत इसमें शुमार होंगे और साथ में शामिल होंगे आप। यदि आपको मेरे प्ले किए गीत, मेरी पसंद के गीत, कोई भी एक गीत पसंद आ रहा है तो बस आपको भेज देना है अपना नाम व स्थान लिख करके हमें। हमारा नंबर 9911118119 ये है नंबर, इस नंबर पर भेज दीजिएगा। नाना अभी नहीं, अभी तो गीत ही प्ले नहीं किया है। नाना नाना अभी ना कीजिए, थोड़ा सा रुकिए जनाब, थोड़ा सा धीरज धरिए। पुनः स्वागत आप सभी का, शुभ दोपहरिया। आरजे चॉइस प्रोग्राम के तहत मेरी पसंद के गाने होंगे और होंगे साथ आप। यदि आपको वो गीत पसंद आ रहा है तो बस लिख भेजिए अपना नाम और स्थान 9911118119 इस नंबर पर। साथियों, हर दिन के साथ कुछ यादें, कुछ बातें जुड़ी हुई होती हैं। सुबह 9:30 पर हमने जिक्र भी किया, जैसा कि आपको जानकारी हम बताते हैं भक्ति संगीत के बाद। उस जानकारी के तहत हमने आपको बताया था बॉलीवुड से जुड़ी जो बातें हैं वो ज़रूर हम जिक्र करें, क्योंकि आज हमारे कुछ कवि, लेखक, साहित्यकार भी शामिल हैं आज की तिथि में, जो हम जानकारी आपको दे चुके हैं। लेकिन जिनके गीत बिल्कुल हम सुनवाएंगे, उनका जिक्र तो भाई किए बगैर हम रहेंगे ही नहीं। उन सब गीतों से पहले आपको सुनवाती हूँ अपनी पसंद का एक ये गीत। आपको पसंद आएगा कि नहीं ये तो मैं अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपको गीत पसंद आता है तो आप अपना नाम व स्थान भेज सकते हैं 9911118119 इस नंबर पर। हमें आपके संदेशों की प्रतीक्षा है। और ये रहा आज के कार्यक्रम का पहला गीत, यानी आरजेस चॉइस सॉन्ग। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान, तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान, तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। जब न होंगे तो ऐ दिल रुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी, न देखोगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान, तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बनने संवरने का जब ही मजा, कोई देखने वाला आशिक तो, नहीं तो ये जलवे हैं बुझते दिए, कोई मिटने वाला एका
आशिक तो हो, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए। प्रिंस फिल्म का ये गीत 1969 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म मोहम्मद रफी की आवाज का जादू, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, और ये गीत मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये गाना। इसकी जो तर्ज है, म्यूजिक है, आवाज, अंदाज, फिल्मांकन, सभी कुछ बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इसका, इसीलिए मुझे ये गीत बहुत पसंद है। फिल्म भी बहुत अच्छी लगी थी मुझे, तो ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथ किन किन को ये गीत अच्छा लगता है देखते हैं। ये गीत मेरे साथ साथ जिन लोगों को पसंद है वो है नेपाल काठमांडू से गणेश प्रसाद हुजदार। और किन को अच्छा लगता है जी देखते हैं। गणेश प्रसाद हुजदार जी को पसंद आया है ये गीत, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा गीत है ये, और लिख रहे हैं बहुत सुंदर गीत। जो हमारे दूसरे साथी हैं लिख रहे हैं बहुत सुंदर गीत, ये गीत सुनकर मैं डांस करने लगा, बदन पे सितारे लपेटे हुए। राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, स्वेता स्वाति, सुशांत चुलबुल, रानी का संदेश। तो नवीन सिंह जी, आपको भी पसंद आया और हमें बेहद खुशी हुई। आपने कहा कि मैं डांस करने लगा क्योंकि आपका प्लास्टर वगैरह अभी ही रिमूव हुआ था, आप कल ही हॉस्पिटल से आए थे, और आप जितना भी डांस कर पा रहे होंगे भाई बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा जोश में मत आ जाइएगा, कहीं पैरों में दिक्कत आ जाए। वैसे तो समझाने की ज़रूरत नहीं, हमारे सभी साथी बहुत ही समझदार हैं। तो ये गीत मेरे साथ साथ पसंद आया गणेश प्रसाद हुजदार और नवीन सिंह को। और मेरे साथ किन को पसंद आता है ये गीत, बदन पे सितारे लपेटे हुए, वाकई बहुत ही सुंदर आपकी चॉइस, ऐसे में हमारी पसंद है यही। बहुत सालों से ये गाना किसी के लिए सुनवाया था, ओ माय गॉड, यस यस यस, क्या कह लिख रही, दोबारा पढ़ती हूँ ये लाइन। बहुत सालों पहले भी ये गाना किसी के लिए सुनवाया था, उन हसीना को शायद 24 साल पहले, नाम तो नहीं लिखता मगर धड़कन का, पर रेडियो धड़कन में यही मस्त मस्त गीत सुनता हूँ क्योंकि इस गीत के साथ कुछ यादें कुछ बातें जुड़ी हुई है मेरी। बहुत ही सुंदर आपने अपने मन की बात कही जयंती, हमारे साथी हैं ये जसन, गांव जसन गुजरात से इन्होंने लिखा ये, तो इनको भी ये गीत पसंद आया, तो बहुत अच्छी बात है साथी कि आपको पसंद आया गीत। सुदर्शन चाह को भी भाई ये गीत बहुत अच्छा लगा है, लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर गीत ये, अभी हमने सुना बदन पे सितारे, और ये एक लोकप्रिय गीत है लेकिन हाँ वाकई हमने बहुत दिनों से ये गीत नहीं सुना। सुदर्शन शाह, इनके साथ हैं पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह, राजेंद्र जी शाह, सुषमा कपूर, नेपानगर एमपी से अपना संदेश लिख रहे हैं। और किन साथी को पसंद आया है ये वाला गाना, राधे श्याम शर्मा जी का संदेश मिला। क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि भाई आपके पसंद के सॉन्ग हमारी पसंद है, क्योंकि जब हम हमारी चॉइस भेजते हैं तो आपको बहुत पसंद आती है, आपकी पसंद हमें क्यों नहीं पसंद आएगी, हमें तो बल्कि सभी गीत पसंद आएंगे, लेकिन चूंकि एक ही गीत पर नाम शामिल होगा तो कोई बात नहीं, नाम आप शामिल वैसे भी करें या ना करें, हम तो गीत के दीवाने हैं, धड़कन के दीवाने हैं, धड़कन सुनेंगे। तो जी बदन पे सितारे लपेटे हुए गीत हमारी चॉइस का है, लिख रहे हैं राधेश्याम शर्मा, गांव हाडी खेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से लिख रहे हैं, बेहतरीन चॉइस है आपकी, धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों आपका भी राधेश्याम शर्मा जी। निसार सलमानी का संदेश मिल चुका है इस गीत के लिए, लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर गीत। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, धनौरी, तेलीवाला से ये लिख रहे हैं अपना संदेश। और किनका संदेश मिला है, काफ़ी सारे संदेश इस गीत के लिए मिल चुके हैं। सोहन जोशी का संदेश मिला है, लिख रहे हैं बहुत ही सुंदर गीत है ये आपकी पसंद का, रफ़ी साहब की सदा बाहर आवाज़ पे बदन पे सितारे, और शुभ दोपहरी, बिल्कुल शुभ दोपहरी जी आप सभी को। भाटापारा छत्तीसगढ़ से ये हमें संदेश लिख रहे हैं सोहन जोशी, हरपिंदर सिंह चावला, धनेश तिवारी, सावन नायक, सुमित दुबे जी हैं इनके साथ, हेम कुमार वर्मा जी भी हैं, लोकेश जोशी हैं, शिव कुमार शर्मा जी हैं। और जगदलपुर छत्तीसगढ़ से पूनम नायडू का भी संदेश है कि भाई गीत बहुत ही सुंदर लग रहा है। हमारे एक और साथी का संदेश कानपुर से मिल चुका है, हमें लिख रहे हैं क्या पढ़ते हैं, अजीत भाटिया, हरविंदर भाटिया का संदेश है, और लिख रहे हैं पहले तो लिख रहे हैं बेसब्री से इंतज़ार है आपकी चॉइस का सॉन्ग सुनने के लिए, एक नहीं बचा इसलिए बिल्कुल अभी कुछ हम नहीं लिखेंगे। और फिर आके इनका एक बजे के बाद का जो गाना शुरू हो गया उसके बाद का संदेश है, लिख रहे हैं बदन पे सितारे लपेटे हुए, आज धमाका प्रोग्राम याद दिलवा दिया आपने, और धमाकेदार शुरुआत, धमाका गीत, जी हाँ जैसा लिखा वैसा हमने पढ़ दिया जनाब, हमारा कोई दोष नहीं है इसमें।
जैसा अजीत जी ने लिखा पढ़ दिया है। तो चलिए, आपको धमाका लग रहा है तो बिल्कुल धमाका तो है ही जी, और साथ ही जब आते हैं धमाके में तो धमाके धमाके तो हो ही जाते हैं, फुलझड़ी पटाखे और क्या बोलते हैं, फिरकी फिरकी बड़ी अच्छी लगती थी मुझे, वो फिरकी गोल गोल घूमती थी ना, बड़ी अच्छी लगती थी। तो ये सब छोटे मोटे जो प्यारे प्यारे धमाके हैं ना सुरीली वाले, ये सब बस छूट रहे हैं। तो पहला धमाका ये था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले दूसरे गीत की तरफ। साथियों, दूसरा गीत, अगला गीत जो हम आपको सुनवाने लगे हैं, वो गीत मुझे बहुत पसंद है। पसंद इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो आवाज़ का जादू है ना, एक ऐसी गायिका का जादू है जो शास्त्रीय संगीत गायिका रही, और इसके बाद वो ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने गाया शास्त्रीय संगीत, और क्लासिकल सेमी क्लासिकल वो गाती थी, और बस वहीं से वो पहुँच गई फिल्म इंडस्ट्री। निर्माता निर्देशकों ने उनकी आवाज़ के जादू को अपनी फिल्मों में फिल्मा दिया, हमेशा के लिए अजर अमर कर दिया। ऐसी सुरीली आवाज़ का जादू जिसे उस समय में हर निर्माता निर्देशक हर गीतकार संगीतकार लेना चाहता था, और उन पार्श्व गायिका की आज है पूर्ण स्मृति। 1990 में इन्होंने अंतिम सांस ली थी, 21 फरवरी के दिन। नाम है इनका जोहराबाई अम्बाले वाली। जी हाँ, बिल्कुल नाम से आप बिल्कुल पहचान गए होंगे, बहुत सारे गीत इन्होंने गाए हैं। रतन फिल्म के गीत बहुत फेमस हैं इनके, जीनत के, अनमोल घड़ी के, और बहुत सारी फिल्मों के। 1932 से लेकर के 1953 तक इनकी आवाज़ का जादू चला। जब ये 13 वर्ष की ही थी तब ही इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर गाया था। जी हाँ, मात्र 13 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी, और इसके बाद ठुमरी गाने में ये बहुत एक्सपर्ट हुआ करती थी। लोग इनके ठुमरी गायन को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे, कब ये ठुमरी गाएंगी और हम सुनेंगे। इस तरह की प्लेबैक सिंगर ये रहीं, गायिका रहीं ये। तो इन्हीं की एक फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इस समय। मेरी पसंद का ये गीत है, बहुत ही प्यारा गीत है, उम्मीद है आप सभी साथियों को भी पसंद आएगा। गीत है कौन सा, रतन फिल्म का ये गाना है, बहुत ही सुंदर गीत। आइए सुनते हैं जोहराबाई अम्बाले वाली की आवाज में ये सुपर सॉन्ग। कैसा लगा जी मेरी पसंद का गाना, अच्छा लगा ना? कई हमारे साथ ये भी सोच रही होंगी कि हमने तो अपना नाम भेज दिया, अब दोबारा कैसे भेजे। मैं ये नहीं कहने वाली कि दोबारा भेज दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहने वाली साथियों, कदापि नहीं कहने वाली हूँ ये बात। हमारे काफी सारे साथियों ने पहले गीत को पसंद किया, बदन पे सितारे, और अब ये दूसरा गीत देखते हैं इस गीत को मेरे साथ साथ कौन पसंद कर रहे हैं। मेरे साथ साथ इस गीत को पसंद किया कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता ने, राजनगर मधुबनी बिहार से।
और राजनगर कांति निकेतन से रानी सोनी गुप्ता, संगीता गुप्ता, ज्योति दीदी और अंजू साहिबा ने भी इस गीत को पसंद किया है। और कौन है जो इस गीत को पसंद कर रहे हैं? साइमा अहमद कराची पाकिस्तान से इस गीत को पसंद कर रही है, कह रही है कि वेरी नाइस सॉन्ग, वेरी नाइस चॉइस। और लिख रही है माई अम्मी इज ऑल्सो लिसनिंग धड़कन। ओ वाओ, ग्रेट, अम्मी को प्रणाम हमारा, नमस्कार। और हमें बहुत बहुत खुशी हुई कि आपकी अम्मी भी ये कार्यक्रम सुन रही हैं। तो वही इनके पसंद के गीत भी, अम्मी जी की पसंद के गीत भी तो चलने चाहिए ना बिल्कुल हर कार्यक्रम में। तो बस अम्मी जी को ज़रूर आप सुनवाए करें। अम्मी जी को एक बार फिर से हम पूरा रेडियो धड़कन परिवार प्रणाम करता है जो इस समय ये कार्यक्रम सुन रही हैं। थैंक यू साइमा जी संदेश के लिए, आपको पसंद आया ये गीत, हमें भी बहुत खुशी हुई। और किन का संदेश हमें मिला है? मुकेश साहू का संदेश मिल रहा है, लिख रहे हैं पलारी रोहासी से मुकेश साहू और इनके परिवार के सदस्य लिख रहे हैं कि सुनकर मन झूम झूम उठ रहा है, ऐसे सुंदर गीत सुनने को मिल रहे हैं, बहुत ही सुंदर गीतों का समावेश, दोनों गीत बहुत ही सुंदर और हमारे नाम दोनों गीतों पर शामिल। चलिए जी, पलारी रोहासी से मुकेश साहू जी, आपका नाम हमने दोनों गीतों पर बिल्कुल बिल्कुल शामिल कर दिया है। और कौन है? गौरव मदान का संदेश है, गौरव मदान मानसी मदान न्यू दिल्ली कर्मपुरा से लिख रहे हैं, लिख रहे हैं आप हमेशा खुश रहो, फिट एंड फाइन रहो, और ये हम दुआ करते हैं। और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही सुंदर गीत चल रहे हैं, गौरव मदान ऐसा लिख रहे हैं। थैंक यू गौरव जी अपना संदेश भेजने के लिए। और कार्यक्रम में जो गीत मेरी पसंद के आज खास तौर से प्ले हो रहे हैं उनको पसंद करने के लिए। और पुरुषोत्तम शामतकर का संदेश मिला है, लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर गीत ये वाला चल रहा है और हम भी इस गीत में शामिल हैं। उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर और हमारे ये साथी गणेश प्रसाद हुसदार वैसे तो गीत में शामिल हो चुके हैं, कुछ और लिख रहे हैं, कह रहे हैं संदेश शामिल करने के लिए धन्यवाद और आपकी हर पसंद लाजवाब है, आपकी प्रस्तुति लाजवाब नहीं बेमिसाल है। ओ माय गॉड, इतनी तारीफ मत किया करो प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश प्रसाद उजदार जी। और सोहन जोशी भी कुछ दोबारा संदेश भेज रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी पसंद का तो हर गीत हमें पसंद आएगा ही, हमने पहले कह दिया। अरे भाई पहले मत बोलो ना, पहले गीत सुनो। अजीत भाटिया का दोबारा संदेश क्या लिख रहे हैं? सुंदर गायकी का चुलबुला गीत, ओल्ड गोल्ड मधुर गीत और इसमें क्या ढोलक बजी है, बहुत ही सुंदर गाना है। तो बिल्कुल मित्र, बहुत अच्छी बात। और जयंती जी का दोबारा मिला, आँखियाँ मिला के चले नहीं जाना ए मोहतरमा, कहे रही हैं पर खुद ही कहे जा रही हैं नैन मिला के, ऐसे में कुलदीप गुप्ता जी क्या करें, बेहतर है मित्र अपने खेत पे ध्यान देना, बेहतर खेत पे ध्यान देना बेहतर। कुलदीप जी सुन लिया क्या कह रहे हैं आपके लिए? दिलावर खान का संदेश हमें मिल चुका है, लिख रहे हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान हसीना बानो, कह रहे हैं कि गीत बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर गीत चल रहा है और हमें बहुत पसंद आया। तो चलिए हम बढ़ती हैं अगले गीत की तरफ। जयंती जी आपका संदेश बहुत मजेदार लगा और बहुत हंसी आई चले आ रही है और हंसी हंसी में ही मैं बोले चले जा रही हूँ, गलत बात है, इतना ज्यादा नहीं हंसना चाहिए, नजर भी लग जाती है। वैसे हमारे साथी नजर लगाने वाले हैं नहीं, बहुत प्यारे साथी हैं। साथियों आज हरदिल अजीज अदाकारा नूतन, जी हाँ नूतन, आज इनकी पुण्य स्मृति है। 21 फरवरी 1991 में इन्होंने हमसे अंतिम विदा ली थी। प्रसिद्ध अभिनेत्री और मिस इंडिया भी रह चुकी और कैमरामैन की पहली पसंद थी, फिल्म निर्माता निर्देशकों की तो पसंद थी ही लेकिन कैमरामैन के लिए पहली पसंद थी। जब उन्हें पता चलता था कि नूतन जी को लिया जा रहा है बतौर नायिका तो बस वो बहुत निश्चिंत हो जाते थे कि काम कम हो जाएगा हमारा, क्यों? क्योंकि हर एंगल से इनका जो फेस था बेहद खूबसूरत लगता था। और इनकी विशेष बात थी इनके चेहरे की, सौम्य इनका चेहरा था, बहुत ही खूबसूरत, और जो इनकी एक्टिंग थी वो ज़बरदस्त सशक्त थी जिसके सभी दीवाने थे। इनकी एक्टिंग क्या, इनका चेहरा क्या, इनकी आवाज़ प्यारी प्यारी आवाज़ और इनका अंदाज़ और निज जीवन में भी सभी ने बहुत पसंद करते थे। ये तो फिल्मी दुनिया की बात है लेकिन निज जीवन में भी सभी इन्हें बहुत पसंद किया करते थे क्योंकि इनका व्यवहार बहुत ही मधुर था, बहुत मीठा बोलती थी और जो
फिल्म इंडस्ट्री में जैसे जब शूटिंग होती है तो स्पॉट बॉयज होते हैं या कोई चाय लाने वाले हैं, लाइटमैन है, या कोई भी, या कोई आम आदमी कोई इनसे मिलने चला आता था, कोई भी एक्स वाई जेड, ये सभी से एक बहुत ही प्यार से, शिद्दत से, आदर सम्मान देकर उनसे मिला करती थी। ये इनकी व्यवहार की खासियत थी। तो नूतन आज इनकी पुण्य स्मृति और इनका गीत ना चले भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। साथ ही इन्होंने कुछ गीत गाए भी थे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ गीत इन्होंने गाए हैं। उन्हीं में से एक गीत छबीली फिल्म का हम सभी को शायद बहुत पसंद आएगा, इसीलिए ये गीत मैं प्ले कर रही हूँ कि मुझे तो पसंद है ही और मुझे उम्मीद है 1960 रिलीज़ छबीली फिल्म का ये गीत जो नूतन ने गाया है हम सभी को पसंद आएगा। सुनते हैं ये गीत। वाकई ये दिल है बड़ा क्या बेसब्र। बिल्कुल, दिल को इतनी बातें कही जाती हैं जी कि दिल बेसब्र और दिल पागल, दिल ये दिल वो। हमें लगता है कि जितने मानव शरीर में जितने भी अंग हैं बाहरी या अंदरूनी, उनमें दिल बेचारे को कितनी कुछ सुनने को मिलती है। कभी तरस नहीं आता आपको दिल पर, दिल पागल, दिल ये दिल वो मस्ताना दीवाना, जाने क्या क्या बातें कही जाती हैं दिल के बारे में। और बेचारा दिल, दिमाग भी साथ साथ 24 घंटे काम करता रहता है, लेकिन दिमाग को भी नहीं, दिल को ज़्यादा झेलना पड़ता है, कहीं दिल को ये बातें सुन सुन के ही कुछ ना हो जाए, उसी बेचारे को हार्ट अटैक ना आ जाए खुद को, कि इतनी सारी बातें ये लोग भाई दुनिया वाले मेरे बारे में बोलते रहते हैं, चलो मैं कुछ गड़बड़ करता हूँ। होता है ना ऐसा, लेकिन नहीं नहीं, दिल को हम मनाएंगे जी, मना कैसे सकते हैं भाई। स्वास्थ्य का ध्यान रखें जी हाँ, योग से व्यायाम कीजिए, सैर कीजिए, बादाम भी खाइए, अब गर्मियाँ आ रही हैं तो अब भीगे हुए बादाम खाइए। तो दिल का जो भी बात है, दिल का हाल हमारा सही रहे तो इसके लिए हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथियों, बदलता मौसम है, सर्दियों से गर्मियों की ओर बढ़ते हुए कदम है हमारे, तो बस ख्याल रखते जाइए, गुनगुनाते जाइए, हंसते जाइए और तनाव मुक्त होते रहिए। बस रेडियो धड़कन के साथ 24 घंटे आपके साथ रहता है और फरमाइशी कार्यक्रमों के बाहर तो लाता ही है। इस समय फरमाइशी कार्यक्रम नहीं, नाना ये बात कहना यहाँ गलत होगा, आरजेस चॉइस प्रोग्राम चल रहा है। इस समय नए साथियों के लिए बता दें जिन्होंने अभी अभी सुनना आरंभ किया है, रेडियो धड़कन पर नीता अग्रवाल के साथ इस समय आप मुखातिब हैं, रूबरू हैं आवाज़ के माध्यम से।
और आज ये चॉइस प्रोग्राम चल रहा है, जैसा कि नाम से जाहिर है, तो मेरी पसंद के गीत आज प्ले हो रहे हैं। और उन मेरी पसंद के गीतों में आप शामिल होते हैं कि नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। आपको पसंद आए तो शामिल होइए, नहीं पसंद आए तो नहीं शामिल होइए। हम तो अपने गीत पसंद के चलाएंगे, ये आज प्रोग्राम ही आरजेस चॉइस है ना। तो चलिए कार्यक्रम के अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और सुनवाते हैं एक और बहुत ही प्यारा गीत। मेरा मनपसंद गीत है ये साथियों। जी हाँ, फिल्म का नाम है मनपसंद, मनपसंद गीत मनपसंद फिल्म से। 1980 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। लता मंगेशकर की आवाज़ का जादू है, राजेश रोशन का संगीत, अमित खन्ना के बोल। और ये गीत मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इस गीत में एक इतनी प्यारी सौम्यता का आनंद होता है कि हमारा जो मन मस्तिष्क है वो आनंद से भर भर जाता है। मेरा मन तो भर जाता है, आपके मन की पता नहीं, आप सुनेंगे तभी बता पाएंगे हमको। और ये गीत इतना अच्छा गीत है और बहुत समय से ये गीत हमने सुना ही नहीं है। जी हाँ, सुनिए आप भी, मैं जो कह रही हूँ ना बस वही बात दोहराएंगे अपने मन में। दोहराएंगे कि नहीं बताइएगा। गीत पसंद आए तो संदेश भेज सकते हैं 9911118119 पर, अपना नाम और स्थान केवल। सुमन सुधा रजनी चंदा आज अधिक क्यों भाए, सुमन सुधा रजनी चंदा आज अधिक क्यों भाए, सुमन है ना। कितना सुंदर गीत, बहुत ही सुंदर गीत है साथियों, ये मनपसंद फिल्म से, जो मेरा भी मनपसंद गीत है। और इस गीत को और किसने मनपसंद कहा या किसने किन्होंने हमारे किन साथियों ने पसंद किया बताते हैं। लिख रहे हैं, वाह भाई ऐसा लग रहा है जैसे सुबह हो गई, बहुत ही सुंदर गीत सुमन सुधा, खुशबू से भरा हुआ, फूलों की खुशबू सा, बहुत ही आनंद विभोर हो गए हम सभी। लिख रहे हैं हमारे ये साथी अकोला महाराष्ट्र से रमाकांत कुलकर्णी राका, और साथ में ही चित्रा रानी कुलकर्णी। बहुत बहुत धन्यवाद। मित अजीत भाटिया का संदेश कुछ मिला है, लिख रहे हैं कि
नूतन जी द्वारा गाया। अच्छा, उस गीत की बात कर रहे हैं कि बहुत ही चुलबुला गीत आज सुनवा के मन खुश कर दिया। कुछ गीत अपने समय अनुसार बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि ये इस दोपहर का गीत। और आगे एक और संदेश कुछ मिनट बाद इनका है, दोनों इकट्ठा पढ़ देते हैं। कार्यक्रम का तीसरा रंग एक और अलग रंग का शास्त्रीय गीत। कमाल की चॉइस आपकी, तीनों गीत अलग रंग ले हुए आपने प्रस्तुत किए। यू आर ग्रेट आरजे। थैंक यू अजीत भाटिया जी, आपको गीत पसंद आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कुमार रामदेव पटेल का संदेश मिल रहा है, क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं अभी अभी जो गीत फिल्म मनपसंद का अभी प्ले हो रहा है, बहुत ही सुंदर गीत है और रेडियो धड़कन से ये गीत प्रसारित किया जा रहा है। ये मेरे दिल की गहराइयों को छू गया, इस गीत की जितनी मैं तारीफ करूं कम होगी। वाकई आनंद दे देने वाला ये गीत, आनंद से भर देने वाला ये गीत सुमन सुधा रजनीगंधा। और इस गीत में जो एक एक शब्द है, जो एक एक वाक्य है, वो बहुत ही अच्छा है। इस गीत की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मेरे दिल की गहराइयों को छू गया है ये दिल, ये गीत आज बहुत दिनों बाद सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, आप हमारे मित्र हैं। आकाशवाणी मुंगेर रेडियो श्रोता संघ बहादुरपुर बरियारपुर जिला मुंगेर बिहार से कुमार रामदेव पटेल और इनके परिवार के सभी सदस्य, धन्यवाद मित्र, आपको पसंद आया ये गीत, हमें भी अच्छा लगा। इस तरह के गीत जब हम सुनते हैं तो वाकई, और हमारे साथी भी जब पसंद करते हैं तो हम और भी खुशी से भर जाते हैं। नवीन सिंह जी का दोबारा कोई एक संदेश है, देख लेते हैं। क्या सुमन सुधा रजनीगंधा बहुत सुंदर गीत है, इस तरह के गीत बहुत कम सुनने को मिलते हैं। आज मैं पहली बार रेडियो धड़कन से ये गीत सुन रहा हूं और बहुत दिनों बाद इस गीत का आनंद ले रहा हूं। हालांकि मैं गीत जो था पहला वाला पसंद कर चुका हूं, लेकिन मैं क्या करूं, हर गीत इतना अच्छा लग रहा है, नाम शामिल ना कीजिए, लेकिन बस मैं आपको कह रहा हूँ ये बात कि बहुत सुंदर गीत है, बहुत ही सुंदर गीत है। थैंक यू नवीन सिंह जी, आपको गीत पसंद आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिलावर खान जी का दोबारा संदेश, बहुत ही सुंदर गीत है। आज कार्यक्रम का बिल्कुल अलग रंग है, बहुत ही भा रहा है ये रंग, जिसमें आप तभी के तभी हमारा कुछ कुछ संदेश भी पढ़ रही हैं और हमारे नाम तो शामिल हो ही रहे हैं और पसंद आपकी है, बहुत ही सुंदर गीतों का समावेश चल रहा है। पुरुषोत्तम शामतकर दोबारा कुछ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? टाइपिंग इनकी समाप्त हो चुकी है, पढ़ते हैं। लिख रहे हैं कि प्रोग्राम में ओल्ड गोल्ड गीत सुनकर दिल बाग बाग हो रहा है, सुपर प्रोग्राम, हमें अच्छा लग रहा है। और आपकी हंसी वाला जो अंदाज है ना, उसके तो भाई क्या कहने, हम सभी दीवाने हैं आपकी हंसी के, मैं ही नहीं। धन्यवाद मित्र, इतनी तारीफ मत किया करो, मैंने बोला ना प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम श्यामतकर जी। अभी मैं हंस के नहीं दिखाने वाली हूँ, बिल्कुल नहीं दिखाने वाली हूँ। योगेश सारवा का संदेश मिला है, लिख रहे हैं नमस्कार नमस्कार जी, लेकिन ये आरजे चॉइस प्रोग्राम बेहतरीन 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 चल रहा है और इस कार्यक्रम में आज नीता जी अपनी पसंद के बेहतरीन 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 गीत लेकर आई हैं। और पता है क्या लिख रहे हैं, सुनिए सुनिए क्या लिख रहे हैं योगेश सारवा जी। लिख रहे हैं भाई, इनकी बात सुनिए कि हफ्ते में एक बार हमारे आरजे स्पेशल होना ही चाहिए, ललित सर जी और आपका जो कार्यक्रम है ना, अलग अलग करें चाहे एक साथ करें, जैसे भी आरजे की पसंद होनी ही होनी चाहिए, तो ललित सर जी और आपका प्रोग्राम जरूर जरूर होना चाहिए आरजे चॉइस का। भाई आपकी पसंद भी तो बनती है ना, ललित सर जी इतने गीत हमें सुनवाते हैं हमारी पसंद के, आप सुनवाती हैं तो आपकी पसंद भी होती है ना। और उसमें कमाल की बात यह है कि भाई हम सभी शामिल हैं, प्रोग्राम का रंग इतना सुंदर है तो, और आज के गीत तो बहुत ही सुपर्ब चल रहे हैं। आप सभी को, पूरे रेडियो धड़कन को, आरजेस को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी तक जो भी गीत चले बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश सारवा मित्र, आपने इतने अच्छे से जो सब बातें लिखी, आपने अपने मन की बात लिखी, तभी तो हम कहते हैं ना आपके मन की बात का प्लेटफॉर्म है ये। अब हमारे जो एक साथी हैं राधेश्याम पांडे जी, वो कुछ वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, भाई वॉइस मैसेज हम नहीं सुन सकते हैं इस समय। और हमारे एक और साथी हैं, क्या लिख रहे हैं तो वो बाद में पढ़ेंगे, चलिए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे संदेश अभी आ चुके हैं, रुकते हैं थोड़ा सा, ब्रेक ले लेते हैं। इस गीत के लिए जो संदेश साथ थे वो हमने बताए। कार्यक्रम का अगला गीत एक और बेहतरीन नगमा साथियों आ रहा है, जिसके लिए क्या कहूँ, बहुत ही सुंदर गीत है, बस यही कह सकती हूँ। जब आप सुनेंगे तो खुद ही कहेंगे भाई क्या गीत है। बावरी नैन फिल्म का 1950 प्रदर्शित ये फिल्म
राजकुमारी और मुकेश की आवाजों का युगल जादू है इस गीत में। रोशन का संगीत, केदार शर्मा के बोल, और इस गीत में जो खास बात मुझे अच्छी लगती है ना, मुझे जो पसंद है, इसमें एक शब्द है जो नायिका बोलती हैं या कहिए कि पार्श्व गायिका बोलती हैं, क्या, एक क्या शब्द कहने का जो अंदाज है ना, क्या क्या ऐसे ही। अब उसमें प्यार भी है, कुछ इरिटेशन भी है, कुछ मजेदारी भी है, तो वो जो क्या बोलती है ना, आई लव दैट क्या क्या। तो चलिए सुनवाते हैं वो गीत, मैं क्या 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 नहीं कर रही सुनवाती हूँ। सच बता दो कि कब दिल में समाए थे, मुझे सच सच बता दो कि कब दिल में समाए थे। वो पहली बार मुझको देख कर जब मुस्कुराए थे, वो पहली बार मुझको देख कर जब मुस्कुराए थे। कदर शर्मा रहे थे तुम, तुम्हें भी याद होगा किस कदर शर्मा रहे थे तुम, तुम्हें किसने बताया क्या मोहब्बत किसको कहते हैं, तुम्हें किसने बताया क्या मोहब्बत किसको कहते हैं। जो आँखों में बसे हैं, जो हमेशा दिल में रहते हैं, जो आँखों में बसे हैं, जो हमेशा दिल में रहते हैं। वो ज़ालिम जिसके मीठे बोल लगते हैं बड़े प्यारे, वो ज़ालिम जिसके मीठे बोल लगते हैं बड़े प्यारे। वो जालिम जिसके मीठे बोल लगती हैं बड़ी प्यारी। जी हाँ, मीठे मीठे बोल सभी को प्यारी लगती हैं, और जालिम तो प्यार से कह दिया जाता है। था ना बहुत अच्छा गीत। क्या जो कहने का अंदाज है इनका, वो आई लव, मुझे बहुत पसंद है इसमें ये क्या कहने का स्टाइल। गीत तो पूरा बहुत अच्छा है, लेकिन ये बात स्पेशली मुझे बहुत बहुत पसंद आती है। और इस गीत को मेरे साथ साथ कौन पसंद करते हैं जी, जानते हैं अभी ये राज। जी हाँ, अभी तो राज ही है, क्योंकि ये गीत कौन साथी पसंद करते हैं हमें तो नहीं पता, देखते हैं।
उत्तम कुमार भगत पाकुड़ झारखंड से लिख रहे हैं, आपकी पसंद बहुत बहुत अच्छी है। अभी अभी मैंने रेडियो धड़कन सुनना शुरू किया, आज आप अपनी पसंद के गीत प्ले कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि रोज़ तो साथियों की पसंद प्ले होती ही है। आज आपकी पसंद के गीतों का आनंद हम ले रहे हैं और ये गीत जो प्ले हो रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। उत्तम कुमार भगत लिख रहे हैं पाकुड़ झारखंड से। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, आप शामिल हुए इस कार्यक्रम में, इस गीत में, और आपने प्रशंसा भी की। साइमा अहमद का कराची से संदेश मिला है, लिख रही हैं कि अम्मी आप सभी को बहुत सारी दुआएं दे रही हैं, उन्हें आपकी आवाज़ बहुत बहुत पसंद आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या कहें, शब्द नहीं निकल रहे, भावविभोर हो गए हैं हम भी, क्योंकि आपका कहना एक अलग अंदाज होता है, एक अलग बात होती है, लेकिन अम्मी का कहना ऐसा वाकई। पुनः हम प्रणाम करते हैं अम्मी को और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है और आज वाकई बहुत सौभाग्यशाली दिवस है हमारे लिए कि अम्मी हमें सुन रही हैं, उन्हें आवाज़ पसंद आ रही है, उन्हें गीत पसंद आ रहे हैं, कुल मिलाकर उन्हें रेडियो धड़कन भा रहा है। अम्मी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुनः हम प्रणाम करते हैं आपको और धन्यवाद साइमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये संदेश भेजने के लिए। गोपाल बूची का संदेश प्राप्त हुआ है अंजन गांव रोड पणज से। इनके साथ हैं पीयूष संकेत बूचे, मंगला बूचे और अटगांव खाड़ी से किशोर धुले, वंदना धुले और आनंद आशीष शिवानी धुले लिख रहे हैं। बहुत ही सुंदर गीतों का समावेश चल रहा है, हम हर गीत में शामिल हैं दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल बोचे मित्र। प्रभुलाल बागड़ी का संदेश प्राप्त हुआ है लाल माता सुदामा नगर अटलई जिला झालावाड़ राजस्थान से। इनके साथ है हर्षिता रामेश्वर, काना मीनाक्षी, कपिल सफलता, सत्यनारायण सफलता, मनोहर बाई बागड़ी और प्रभुलाल बागड़ी तो हैं ही, लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर गीतों का समन्वय चल रहा है, हर गीत हमें बहुत पसंद आ रहा है और लिख रहे हैं ये दीदी हसमुख दीदी, जैसा कि ये मुझे इसी नाम से पुकारते हैं, ये यही बोलते हैं दीदी हसमुख दीदी, तो मैं समझ जाती हूँ कि प्रभुलाल बागड़ी जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुलाल बागड़ी जी। भारत राम पडौटी का संदेश मिला है, इनके साथ हैं जयंती, हेमंत, उमंग, मोक्ष पडौटी, भानु प्रताप, कांकेर जिला, छत्तीसगढ़, भानबेड़ा मंगवाल से लिख रहे हैं, जो कार्यक्रम का नाम है आरजेस चॉइस, आपने बहुत ही सुंदर ये नाम रखा है और अपनी पसंद के जो गीत आप प्रसारित इसमें कर रहे हैं बहुत ही रोचक हैं, लाजवाब हैं और बहुत ही मस्त कार्यक्रम चल रहा है। रेडियो धड़कन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं मैं भारत राम पडौटी, बहुत बहुत धन्यवाद भारत राम जी। गजानन नादरी का संदेश मिला है गिरगांव जिला हिंगोली महाराष्ट्र से। गजानन नादरी शाहजी बोटखे इनके साथ और मारोतराव पांचाल भी हैं, लिख रहे हैं बहुत ही सुंदर गीतों का समन्वय चल रहा है, एक से बढ़कर एक गीत, हम हर गीत में शामिल हैं, आप नाम लें या ना लें बट हम दिल से शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, जब आप कहते हैं ना हम शामिल हैं दिल से, तो सच में दिल से दिल का जो जुड़ाव है ना वो हमें समझ में आता है, बहुत अच्छा लगता है। सैयद जलाल का संदेश मिल रहा है, लिख रहे हैं बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, इनके साथ हैं सैयद जहीर, सैयद जफर, सैयद आयशा, अश्मीरा और माहिरा किले धारूड़ बीड़ महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि हमारे औरंगाबाद के जो प्यारे मित्र हैं सुनील सामक जी वो भी शामिल हैं और बहुत ही सुंदर गीतों का समन्वय चल रहा है। अच्छा, सुनील सामक जी का भी संदेश आ चुका है, लिख रहे हैं सुनील सामक, अंजलि सुनील, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम और हर गीत बहुत ही बढ़िया चल रहा है। कमल बालूजा का संदेश है मजनू का टीला से, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक के साथ ने लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। रियासत हुसैन सिद्दीकी का संदेश हमें मिल चुका है, लिख रहे हैं कि जसपुर उत्तराखंड से अपना संदेश ये भेज रहे हैं, लिख रहे हैं मेहनत का फल मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है, उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए और हम सबकी उम्मीद को भी पूरा कर सकें ऐसी उम्मीद करनी चाहिए, और ऐसी बात पेश करता है रेडियो धड़कन। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र अपने
मनोभाव प्रकट करने के लिए, इतने प्यारे मनोभाव रेडियो धड़कन के लिए आप रख रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रियासत हुसैन सिद्दीकी मित्र। और क्या संदेश है ये, किन का मिला है देख लेते हैं। रामेश्वर तलेकर जी का संदेश है, लिख रहे हैं शुभ दोपहरिया, बहुत ही सुंदर गीत चल रहे हैं, एक एक गीत अनमोल मोती। चलिए बढ़ते हैं अब अगले गीत की तरफ। एक और अनमोल तलाना साथियों आपको सुनवा रहे हैं, मेरी पसंद का एक बहुत ही बहुत मुझे पसंद है ये गाना। और अगर सुबह के समय में आप ये गीत सुनेंगे लगभग 4 बजे 5 बजे 6 बजे तो इसका इसकी जो महत्ता है ना वो और भी ज्यादा कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन 24 घंटे में कभी भी सुने तो अच्छा है ही है। प्रकृति की बातों से भरा, प्रकृति के महत्व को बताता, इस दुनिया के महत्व को बताता, ये दुनिया कितनी सुंदर है, प्रकृति की चीज़ों से भरी हुई है, रंग बिरंगे फूल हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह की बात जताता ये गीत। फिल्म का नाम है जन्म जन्म के फेरे। जी हाँ, जन्म जन्म के फेरे। और ये गीत हमने बहुत समय से नहीं सुना, मैंने तो पर्सनली सुना है लेकिन हाँ रेडियो धड़कन पर फरमाइशी कार्यक्रमों के तहत नहीं सुना। बहुत ही सुंदर गीत, आइए सुनते हैं मेरी पसंद का ये गाना। है ना बहुत सुंदर गीत, वाकई बहुत ही खूबसूरत गीत है ये। और जब इसमें एक शब्द कहा जाता है ना चल्ला रे, तो चला नहीं है वो चल्ला रे, एक जो अंदाज है ना वो बहुत खूबसूरत होता है। कई बार कई गीतों में इस तरह की बातें शुमार होती हैं, बहुत सारे गीत इस तरह के हैं, कहीं इस तरह से जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर गीत। साथियों ये था मेरी पसंद का, जिसमें कौन शामिल हुए देखते हैं हमारे किन साथियों को ये गीत पसंद आया। संदेश मिला है सोलवी हवारी का, इनके साथ हैं जावेद हवारी, दानिश हवारी और परिवार के सभी सदस्य। लिख रहे हैं अपना संदेश आदापुर पूर्वी चंपारण बिहार नेपाल बॉर्डर से लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि मैं नमाज पर गया हुआ था और अभी अभी मैंने आकर के सुनना शुरू किया है, तो जैसे ही सुना तो साइमा जी की अम्मी जो कार्यक्रम सुन रही हैं और वही मैंने वहाँ से सुनना आरंभ किया, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये जानकर के कि साइमा जी की अम्मी कार्यक्रम सुन रही हैं और कार्यक्रम को ना सिर्फ सुन रही हैं बल्कि हमारी नीता दीदी की आवाज़ को पसंद कर रही हैं और हमारे जो गीत चल रहे हैं आरजे इस चॉइस के उसको पसंद कर रही हैं। और उनकी अम्मी के लिए मैं दुआ करता हूँ कि वो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना आशीर्वाद रेडियो धड़कन को देती रहें। ऐसा लिख रहे हैं सोलवी हवारी। सोलवी हवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल कार्यक्रम से इतर एक बात कही, ये सुन करके जैसे ही आपने ये अम्मी जी वाली बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके प्रति इतना मान सम्मान, इतना प्यार, इतना केयर प्रकट करने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद सोलवी हवारी जी। और लिख रहे हैं कि कार्यक्रम में गीत बहुत ही सुंदर चल रहे हैं, बहुत ही भा रहे हैं, और नीता दीदी आपकी पसंद का तो क्या कहना, हर गीत आपका लाजवाब होता है। जो आप अपनी पसंद से देते हो, पहले भी जो आपने दिए पिछले महीने भी, वो भी बहुत सुंदर गीत थे, और ये गीत भी एक से बढ़कर एक है, और आगे भी इसी तरह के गीत हमें सुनने को मिलेंगे, मैं ऐसा जानता हूँ निश्चित तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद सोलवी हमारी मित्र, आपने इतना सुंदर संदेश हमें दिया, अपने मन के भाव प्रकट किए, हमारे लिए ही नहीं पूरे परिवार के लिए, हम सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक केसवानी का संदेश प्राप्त हो गया है, हमें लिख रहे हैं कि थोड़ी देर पहले ही सुनना आरंभ किया हूँ, अशोक केसवानी, और लिख रहे हैं कि नमस्कार, और कहाँ से खोज लिए मैडम ऐसे ऐसे गीत, मैंने आज तक नहीं सुना, कमाल कर दिया आपने। क्या बात है भाई, कमाल करने वाले लोग भी कह रहे हैं कमाल कर दिया, फिर तो वाकई लग रहा है कमाल हो रहा है क्योंकि अशोक जी हैं, सोलवी जी हैं, रश्मि जी हैं, नवीन जी, बहुत सारे एक नहीं कई मित्र योगेश जी हैं, इतना खोज के गीत लाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। हम तो 2 घंटे कार्यक्रम करते हैं, वो 2 घंटे खोज में लगा देते हैं, हम 3.5 घंटे नाम लिखते हैं तो वो 3.5 घंटे भी सोच में लगाते हैं कि कौन सा गीत हम चुने। वाकई मित्र आप अनमोल हैं, हम गौरवान्वित हैं आप जैसे श्रोता साथी पाके। आप सिर्फ श्रोता नहीं हैं, आप श्रोता परिवार हैं, आप श्रोता साथी हैं, आप सच्चे श्रोता हैं, महज श्रोता नहीं हैं। हम जानते हैं कि आप सालों बरसों से रेडियो सुन रहे हैं, लेकिन उस सुनने में जो आप रेडियो धड़कन को तवज्जो दे रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, खोज रहे हैं गीतों को, और इन गीतों को भी आरजेएस के गीतों को पसंद कर रहे हैं, जो आप लिख सकते हैं, जो आप कह सकते हैं बिल्कुल कह रहे हैं, तो रियली हम तो बिल्कुल गदगद हो जाते हैं। और आज हमारे साथी अशोक केसवानी जो खुद लाजवाब कमाल है, हमें कह रहे हैं कि भाई कमाल कर दिया, नाना ऐसे मत कहो भाई, हम कुछ भी नहीं है, आप इतना खोज खोज के गाने लाते हो। तो चलिए, हमने कमाल कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक केसवानी मित्र, आपने अपने जो मन के विचार हैं हमें प्रकट किए। अजीत भाटिया लिख रहे हैं कि रंग बिरंगी फूलों की झूमे डालियां, पहली बार सुन रहा हूं और इतने गौर से सुन रहा हूं, कमाल की शब्दावली है इस गीत में, कमाल के शब्द हैं, रोचकता है, सुंदरता है, गीत की सौम्यता है, बातों की सौम्यता है, जज्बात की सौम्यता है, गीत बहुत ही सुंदर गीत, अजीत भाटिया लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र आपका। सैयद जलाल बीड़ से दोबारा लिख रहे हैं, इनका नाम शायद हम पढ़ चुके हैं, यस, लेकिन क्या कह रहे हैं ये पढ़ते हैं। सैयद जलाल लिख रहे हैं, वाह वाह जी क्या बात है नीता जी, आपके पसंद सर आंखों पर, बहुत ही बढ़िया गीतों का नजराना उपहार पेश कर रही हैं आप हम सभी के लिए, और ऐसे गीत जो दिल और दिमाग दोनों को सुकून देते हैं, जिनमें मनोरंजन भी है, जानकारी भी है, नसीहत भी है, प्रकृति भी समाई है, प्यार मोहब्बत भी समाया है, और जो आज के दिन में जुड़े जन्म और मृत्यु दिवस हैं, पुण्यतिथि हैं, उनको भी आप सहेजे समेटे हो, वाकई कमाल का प्रोग्राम, दिल से शुक्रिया, आपकी बढ़िया पसंद को हम दिल से धन्यवाद देते हैं, और बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है। लिख रहे हैं हमारे दोस्त सैयद जलाल किले धारूढ़ बीड़ महाराष्ट्र से, बहुत बहुत सुंदर साथियों। अगर हम साथियों ऐसे ही संदेश पढ़ने लगेंगे तो ये तो तारीफों वाला प्रोग्राम हो जाएगा, हमें तारीफों वाला, अब आप लिखते हैं तो पढ़नी पड़ती है ना। चलिए, हम ही तो कहते हैं अपने विचार व्यक्त किया कीजिए, अब आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अशोक केसवानी दोबारा कुछ लिख रहे हैं, कह रहे हैं आपने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया चलिए रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपना ही रिकॉर्ड हम तो तोड़ने में लगे रहते हैं। वैसे राहुल बंसोड़ का संदेश मिल चुका है, लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर गीतों का समावेश, राहुल बंसोड़, सम्यक बंसोड़, शरण बंसोड़, मीरा बंसोड़, लुमिनी नगर अकोला से, बहुत ही सुंदर आरजेएस चॉइस प्रोग्राम चल रहा है। गणेश प्रसाद हुजार फिर से लिख रहे हैं कि विशेष प्रोग्राम छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं है, और दीदी बिल्कुल मत जाइएगा अभी आप, ओ माय गॉड, मुझे भी तो खाना खाना है, लंच करना है चलिए अभी नहीं जा रही, अभी 2 गीत और मैं सुनवाऊंगी, इसके बाद जाऊंगी, ठीक है। तो हाँ, बस यही मैसेज थे तो चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं साथियों, एक और मनमोहक गीत आ रहा है साथियों। आज एक महान चरित्र अदाकार ओम प्रकाश, इनका भी दिन है आज, उनकी पुण्य स्मृति है। 21 फरवरी 1998 में अदाकार ओम प्रकाश ने हमसे अंतिम विदा ली थी। तो ओम प्रकाश बहुत ही उत्कृष्ट अदाकार रहे साथियों, ये
1942 से लेकर के 1994 तक फिल्मों का इनका सफर रहा। 78 वर्ष की आयु में 21 फरवरी 1998 में मुंबई में इनका निधन हुआ था। आइए इन्हीं पर फिल्माया गया एक गीत मेरी पसंद का। जी हाँ, मुझे ये गीत बहुत अच्छा लगता है, इनका बहुत समय से बहुत अच्छा लगता है, जब से देखा है ये गीत। हावड़ा ब्रिज फिल्म का गीत है, 1958 रिलीज फिल्म, शमशाद बेगम मोहम्मद रफी की आवाजें, ओपी नैयर का संगीत, कमर जलालाबादी के बोल, और अशोक कुमार और ओम प्रकाश इन दोनों पर फिल्माया गया है ये गीत, और ओम प्रकाश ही पर्दे पर इस गीत को गा रहे हैं। तो सुनते हैं ये गाना। तुक्की पान का इक्का, ईंट की तुक्की पान का इक्का, कहीं जोकर कहीं सत्ता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। ईंट की तुक्की पान का इक्का, कहीं जोकर कहीं सत्ता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। बालीगंज की झील पे बाबू आए रूप के दास, झील किनारे बढ़ती जाए मतवालों की प्यास, ना पाकिट में माल है बाबू, ना पाकिट में माल है बाबू, ना कपड़ा ना लत्ता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। तुक्की पान का इक्का, कहीं जोकर कहीं सत्ता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। जी हाँ, ईंट की दुखी पान का इक्का, सुनो जी ये कलकत्ता है। क्या खूब, किस तरह से एक राइमिंग बना करके ये गीत बनाया गया है, बहुत ही लाजवाब गीत, मोहम्मद रफी की आवाज से सजा ये गीत, हावड़ा ब्रिज फिल्म से। ओम प्रकाश सशक्त अदाकार रहे, आज जिनकी पुण्यतिथि है उन पर फिल्माया गया था ये गीत। आरजेस चॉइस प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, जिसमें अब आज का अंतिम गीत प्रस्तुत होने जा रहा है, मेरी पसंद का वो गीत है। कौन सा वाला? ये वाला सत्या फिल्म का गीत। चलिए थोड़ा सा झूम लेते हैं, नाच गा लेते हैं इस गीत के साथ साथ। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है, सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सारा दिन घूंघटे में बंद कुड़िया सी, ओए 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 ओए, सारा दिन घूंघटे में बंद कुड़िया सी, अखियों में खुलती है। इस गीत और पिछले गीत के लिए जो संदेश मिले वो बताते हैं। प्रवीण श्रीमाली बड़वा खरगोन एमपी से लिख रहे हैं कि ऑफिस में हूँ और सुन रहा हूँ कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर गीतों का समावेश चल रहा है, रेडियो धड़कन को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ मैं इस सुंदर कार्यक्रम के लिए। यूँ तो रोज़ ही सुंदर कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये रंग एक जुदा
बहुत ही प्यारा रंग है। अजीत भाटिया का संदेश, वाहनीता जी एक और अलग रंग तांगे की सैर करवा दी आपने ओम प्रकाश जी के साथ साथ, हम सभी को भी बहुत ही मधुर गीत और बहुत ही अच्छा गीत ये हमने सुना। और ये लिख रहे हैं, हिंदुस्तान क्या आपके कार्यक्रम की पसंद, पाकिस्तान में भी धूम मच गई है, अब तो आपको सायमा जी की अम्मी का आशीर्वाद मिल गया है, इससे बेहतरीन कार्यक्रम और बेहतरीन पसंद, बेहतरीन समा, बेहतरीन दिन, बेहतरीन पल और क्या हो सकता है। बिल्कुल सही कहा अजीत भाटिया जी आपने, वाकई जब माओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है ना तो हम फूले फूले नहीं समाते। और आज तो पूरे रेडियो धड़कन को सायमा जी की अम्मी का और हमारी अम्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। बहुत अच्छा लगा हमें सायमा जी की अम्मी का आशीर्वाद पा, हम सभी गदगद हो गए। अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सुंदर संदेश देने के लिए। श्याम सुंदर टांगली का संदेश है, गोवा से प्राप्त हुआ है, लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, बहुत भा रहा है हमें ये कार्यक्रम। प्रवीण श्रीमाली दोबारा लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर सदाबहार गीत, सुंदर प्रस्तुति कार्यक्रम चल रहा है। जयंती जी गुजरात से लिख रहे हैं कि धड़कन रेडियो बहुत ही सुंदर एक रेडियो है जो हर तरह के नायाब कार्यक्रम हमारे लिए लाता है, जैसा कि आज का कार्यक्रम भी एक अनमोल तराना है। और बहुत ही अच्छी बात है कि धड़कन हर सुख और दुख में हम सभी के शामिल रहता है, कोई भी दुख की बात हो जाए तो धड़कन हम सभी के साथ है, हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। और बहुत से उदाहरण हमने देखे भी, रीता दीदी जी का हो या और इससे पहले कोई उदाहरण, कि हमारे सबके दुख में रेडियो धड़कन साथ रहता है। बिल्कुल जयंती मित्र, क्यों नहीं, सुख में साथ दुख में साथ, बिल्कुल हम सभी साथ साथ हैं। अशोक केसवानी जी लिख रहे हैं कि ये गीत थोड़े दिन पहले सुना था तांगे में, गीत मैं फरमाइश भेजने वाला था। और अच्छा, ये लिख रहे हैं अशोक केसवानी की जो तांगे वाला गाना है, इसके लिए मैं फरमाइश भेजने वाला था, थोड़े दिन पहले सुना था। और आज जब ये सुना तो मैं तो बिल्कुल ही हैरान रह गया कि अरे मन की बात सुन ली आपने, और ज़बरदस्त आपकी चॉइस, मज़ा आ गया। अशोक केसवानी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक केसवानी मित्र। गौरव मदान का दोबारा संदेश की, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। और किन का संदेश देख लेते हैं, कोई भी संदेश हमारी नज़रों से छूट ना जाए, हम कोशिश तो जनाब यही करते हैं। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं, रजौनी ज़िला महोबा बुंदेलखंड से उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, नीतू पाल, दिव्यांश बघेल और पार परिवार के कार्यक्रम बहुत ही सुंदर चल रहा है। सोहन जोशी का भाटापारा से संदेश मिल रहा है, दोबारा लिख रहे हैं कि हमारी मेरी ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से रेडियो धड़कन को बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, शानदार कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सोहन जोशी मित्र। और किनका संदेश है देख लेते हैं, अगर किन्हीं का है तो, नहीं तो प्रोग्राम हम क्लोज तो करेंगे ही, क्योंकि भूख लगी हुई है, खाना खाना है, घर के लोग प्रतीक्षारत हैं कि भाई हम खाना खाएं। तो चलिए देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। प्रवीण श्रीमाली लिख रहे हैं, आपकी मेहनत को दिल से सल्यूट करता हूं, आप हम श्रोताओं के लिए बहुत कुछ नया नया करते रहते हैं, तारीफ़ काबिल, काबिल तारीफ़। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण श्रीमाली मित्र आपका। और अब सभी, हाँ, एक संदेश ग्राम कुपुतकी कला कवर्धा से, जिन्होंने वॉइस भेजा था ना, हमने कहा था कि वॉइस ना भेजिए सुन नहीं पाएंगे, तो राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, और लिख रहे हैं, नीता दीदी आपकी पसंद का क्या कहना, आपकी पसंद तो लाजवाब है, मैडम जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम पांडे मित्र, आपने कार्यक्रम को पसंद किया, गीतों को पसंद किया, राधेश्याम पांडे जी धन्यवाद। अशोक केसवानी जी लिख रहे हैं और एक दो साथी और, कि भाई बिल्कुल खाना भी खाना है आपको, तो आप प्लीज़ खाना खाइए, और बोर तो नहीं हुए ना, इसलिए तो नहीं बोल रहे, हाँ क्या क्या कहा, बोर हो गए? नहीं नहीं, अरे मजाक की बात है, हम जानते हैं कि भाई गीत संगीत से तो बोर कभी कोई होता ही नहीं है। तो अशोक केसवानी जी और अन्य सभी मित्रों, बिल्कुल हम अब लंच करेंगे। सच बात तो यह कि हमें भी आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, हम खाना पीना सब भूल जाते हैं, हमें भूख ही नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती।
चलिए कार्यक्रम का समापन करते हैं आज इस चॉइस प्रोग्राम था ये जिसमें आज मैंने अपनी पसंद के गीत चुने आपको सुनवाए और जिन साथियों को वो गीत पसंद आए उन्होंने हमें अपने संदेश लिखे। तो अशोक केसवानी जी आगे लिख रहे हैं कि आपकी फिक्र है हम सभी को इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, हम रेडियो धड़कन से बोर कभी भी नहीं हो सकते। बिल्कुल क्लियर इन्होंने लिख दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक केसवानी मित्र, आपने ऐसा लिखा। बिल्कुल आप फिक्र करते हैं सभी, बहुत अच्छी बात है। हम बहुत भाव विभोर भी हो जाते हैं इन बातों को सुन करके, लेकिन क्या कहें, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्यारे साथी हैं आप, हमारी फिक्र भी करते हैं हर तरह से। तो अब आरजे इस चॉइस प्रोग्राम का समापन करते हैं, अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। नमस्कार।